The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Let's start lung disease discussion. फेफड़ों की बीमारी, लंग डिजीज, एनी प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम आपके फेफड़ों में होती है, लंग में होती है, जो कि लंग्स को प्रॉपरली काम करने से रोकेगी, दैट इज अ लंग डिजीज, राइट? लंग क्या है, फेफड़े क्या है, दीज आर गुब्बारास, राइट? इसमें गुब्बारे मतलब इसमें हवा भरती है, हवा से ऑक्सीजन गोज इनटू योर ब्लड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ योर ब्लड, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एयर. इसी से आपके खून को, आपके हार्ट को, आपके सारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है. सो लंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो फेफड़े हैं आपके पास, दो लंग्स हैं, और लंग में बीमारियां हो सकती हैं. नंबर वन बीमारी हो सकती है एयरवे डिजीज. एयरवे बिकॉज ऑब्वियसली हवा जाने के लिए एयरवे होती है, तो एयरवे यानी कि जो लंग की ट्यूब्स होती हैं उनमें बीमारी हो सकती है. ये ऑक्सीजन कैरी करती है, हवा कैरी करती है, अंदर लेके जाती है, और ऑक्सीजन अंदर ले जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आती है. यूजुअली जो सबसे कॉमन बीमारी है एयरवे की वो होती है नैरोइंग. एयरवे जो है नैरो हो जाती है, नैरो एयरवे हो जाने से या ब्लॉक हो जाने से कुछ जगह के एयरवे आपको सांस फूलने लगेगा. एयरवे की बीमारियाँ होती हैं एस्थमा, अस्थमा बचपन से जो एलर्जिक रिएक्शन के वजह से हो रही है, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये होती है बहुत लंबे समय तक सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीना, किसी को साल में भी हो सकती है भैया, ऐसा नहीं है कि 2 साल से, इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, कितनी ज़्यादा पी रहे हो. धुएं में काम करने वाले, चूल्हे पे फूकने वाले माताजियों को भी हो जाता है, बीड़ी पीने वालों को भी, तंबाकू खाने वालों को भी, सीओपीडी पोल्यूशन में रहने वालों को भी, दिल्ली जैसे शहरों में सड़क पे घूमने वालों को भी सीओपीडी हो सकता है. और उसके अलावा होता है ब्रोंकिएक्टेसिस. ब्रोंकिएक्टेसिस मतलब जो सांस की नलियां हैं वो एक्टेटिक हो गई हैं. एक्टेटिक का मतलब है कि सीधी सीधी नलियों की जगह वो एक तो टेढ़ी टेढ़ी होगी और कहीं कहीं से फूल सी गई हैं. ये मान लो यहाँ से फूल जाए, यहाँ से फूल जाए, यहाँ से दबी हो, यहाँ से फूल जाए, यहाँ से टेढ़ी हो जाए. सो दिस इज दी ब्रोंकिएक्टेसिस, राइट? नॉर्मल ब्रोंका सीधा होना चाहिए. सो दिस इज तीन तरीके की बीमारियां, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टेसिस इन एयरवे. एयरवे मतलब समझ गए. जिनको एयरवे की बीमारी होती है ज़्यादातर उनको ऐसा फील होता है कि वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और सांस जो है ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रॉ से लेना, ऐसे लग रहा है जैसे सांस में स्ट्रॉ के थ्रू सांस ले रहे हैं. सो दिस इज देयर कंप्लेंट. सो दैट्स हाउ लंग एयरवे डिजीज हैपन्स. उसके बाद दूसरे प्रकार की लंग की फेफड़ों की बीमारी है लंग के खुद के टिश्यू की बीमारी, लंग टिश्यू डिजीज. लंग टिश्यू डिजीज का मतलब है कि लंग के अंदर जो एल्वियोला है, जो गुब्बारे हैं जिनका काम है कि फैलना, लंग में हवा भरना, हवा के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो फिर आसपास की खून की नसों में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल के जो एल्वियोला है उनमें आ जाता है, फिर वो बाहर फेंक देते हैं, ये फैलता है, सिकुड़ता है, दैट इज़ द लंग टिश्यू का वर्क, लंग में हवा भरना. तो वो हवा नहीं भर पा रहे किसी कारणवश, तो उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है उनकी जो कैपेसिटी है उसका, तो इसलिए इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. तो ये क्यों होगा, मान लीजिए वहाँ कहीं इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे कोई स्कार टिश्यू आ गया, वहाँ किसी भी प्रकार का टिश्यू डैमेज हो रहा है, उसके वजह से रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा उसकी फैलने की कैपेसिटी में, लंग टिश्यू डैमेज. ऐसा होता है तो सही मात्रा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता, और ऐसे में फिर पेशेंट को लगता है कि उनकी छाती में जकड़न सा है, किसी ने कोई टाइट वेस्ट पहना दिए, कुछ बांधा हुआ है छाती पे जिसके वजह से नहीं सांस ले पा रहे. सो दैट इज द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को ऐसा लगता है, राइट? इसके कॉमन बीमारियां क्या है, एक तो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग टिश्यू में फाइब्रोसिस हो गया इन्फेक्शन के बाद, या सार्काइडोसिस, ग्रैनुलोमैटस बीमारी है लंग्स की, या ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा हो सकता है, लंग टिश्यू डिजीज, लंग टिश्यू डैमेज. सो ये दूसरे प्रकार की लंग की बीमारी है. तीसरी चीज़ जो लंग में है एयरवे एल्वियोलाई के बाद है खून की नसें. खून की नसें जिनमें ऑक्सीजन आना है, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, उनमें भी बीमारी हो सकती है. उनमें बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, खून की नसें सिकुड़ सकती है, उसमें क्लॉट आ सकता है, उनमें स्कार बन सकता है, उनमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है. तो ये सारी बीमारियाँ होती हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा जो खून से खून में आनी चाहिए वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलना चाहिए वो कम हो जाएगी. बहरहाल उसमें लंग में ऑक्सीजन भरा हुआ है, उसमें एयर है, लेकिन खून की नसें ही सिकुड़ी हुई हैं, उनमें ही दिक्कत है. तो ऐसा बीमारी भी हो सकती है लंग सर्कुलेशन डिजीज. ऐसे में जब होता है तो हार्ट पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. कैसे, क्योंकि जब लंग में खून की प्रेशर बढ़ा हुआ है, लंग में खून की नसों में दिक्कत है, तो वो बैक प्रेशर होके
हार्ट पे आ सकता है, बिकॉज लंग में जो खून भेज रहा है वो राइट साइड का हार्ट है, राइट साइड ऑफ हार्ट वो लंग में गंदा खून भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए, और फिर वो लेफ्ट साइड हार्ट में आता है, तो ऐसे में फिर लेफ्ट साइड हार्ट पूरे शरीर को भेजता है, ऐसे में जब प्रेशर लंग में बढ़ जाएगा तो बैक प्रेशर, ट्रैफिक जैम, पीछे बैक प्रेशर आएगा राइट साइड के हार्ट पे, प्रेशर बढ़ने से वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, राइट साइड के हार्ट में हाई ब्लड प्रेशर कर देगा, वहाँ का प्रेशर बढ़ने से राइट साइड का हार्ट लंबे प्रेशर बढ़ते रहते से फैल सकता है, बड़ा हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, बैक प्रेशर से आपके लिवर पे प्रेशर आ सकता है जो कोर पल्मोलेल हो सकता है उसके वजह से, तो ये भी एक दिक्कत है। थर्ड प्रॉब्लम जिसके वजह से ऐसी बीमारी होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो पेशेंट्स को फिर सांस फूलता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पेशेंट्स को सांस फूलने लगता है, चलने फिरने में सांस फूलना नंबर वन प्रॉब्लम है ऐसे में, सो रिमेंबर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये तीन प्रकार की बीमारियां होती है लंग के अंदर, एयरवे की, लंग टिश्यू की और सर्कुलेशन की। जितनी भी फेफड़ों की बीमारियां आज तक आपने सुनी होंगी, देखी होगी या सुनोगे, ये तीनों बस इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है। कोई भी बीमारी ले लो, एस्थमा ले लो जिसमें लंग डिजीज हो रही है तो फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, कोई भी इवन न्यूमोथोरैक्स ले लो, लंग के जो न्यूमोथोरैक्स मतलब मान लीजिए लंग के जो टिश्यू है, लंग के बाहर जो जगह है वहाँ हवा भर जाए तो लंग दबने लग जाए, ऐसा भी होता है, वो होता है। मान लीजिए लंग के अंदर एल्वियोला बड़ा हो गया, 3-4 एल्वियोला फट के एक बुल्ला बन गया बड़ा सा, और वो फट गया लंग के बाहर फट गया, जगह बन गई, वो जगह में जब भी सांस ले रहे हो थोड़ी थोड़ी हवा भरते जा रही है और वैल्व बन गया, वापस आती है तो बंद हो जाता है, लेकिन जाते हैं तो भर जाता है, तो दैट बिकम्स वन वे वैल्व। तो वहाँ न्यूमोथोरैक्स यानी कि लंग के फेफड़ों के आसपास हवा भरते रहती है और लंग को दबाती जाती है, तो फिर आपको भी सांस फूलता है, सांस फूलने लग जाता है एकदम, उसको फिर निकालनी पड़ती है हवा छाती में छेद करके। जी हाँ, देखा होगा आपने, ट्यूब डालते हैं कोई कोई, वो सुई डालता है, राइट, वो भी होती है। सो एटेलेक्टेसिस भी एक तरीके का ऐसा ही है, जब लंग के टिश्यूज एक दूसरे, जब वो बुल्ले फूट जाते हैं, जब बुल्ला बन जाता है, बुल्ला मतलब लंग के छोटे छोटे एल्वियोलाय फूट फूट के बड़े एल्वियोलाय बन जाते हैं, एटेलेक्टेसिस उसको कहते हैं। सो कोलैप्स ऑफ लंग इसको कहेंगे, ये भी अल्टीमेटली सांस की बीमारी उसके वजह से हो रही है जो रिस्ट्रिक्शन आ गया। फिर जो खून की नसें, जो लंग की एयरवे है, सांस ले जाने वाली नसें, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, राइट, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इसमें स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, राइट। सीओपीडी हमने ऑलरेडी देखा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकती है, लंग के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो, या हार्ट की बीमारी के वजह से भी बैक प्रेशर, अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो रहा है, आगे नहीं जा रहा, तो बैक प्रेशर लेफ्ट हार्ट में कहाँ से आ रहा है, राइट आपके लंग से आ रहा है, लंग से खून लेफ्ट हार्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट हार्ट में ट्रैफिक जैम है, तो पीछे बैक प्रेशर में लंग्स में प्रेशर बन सकता है, उसके वजह से लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, इन्फेक्शन के वजह से भी। पल्मोनरी एडिमा मतलब खून की नसों की जगह बाकी सारी जगहों पे ब्लड आने, यानी पानी आने लगेगा, पानी लंग में छूट रहा है, तो जैसे पैर में पानी भरता है वैसे लंग्स में पानी भर सकता है, लंग के टिश्यू के अंदर, एल्वियोलाय के अंदर, ब्रोंकियस के अंदर, एयरवे के अंदर पानी आ सकता है, तो उसको कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, ये भी अपने आप में एक बीमारी है। उसके अलावा हमने लंग की खून की नसों में ब्लॉकेज बताया, छोटी छोटी खून की नसों में तो ब्लॉकेज होती है, बड़ी वाली जो लंग की खून की नसें हैं पल्मोनरी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज होता है तो वो जानलेवा हो सकता है, वो हार्ट अटैक से भी डेंजरस चीज है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज डेंजरस, राइट। इसके अलावा लंग में कैंसर भी हो सकता है, तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं आपके लंग में, फेफड़ों में। तो बचने के लिए लंग के ऊपर प्रो टिप्स है, हमारी वीडियो है वो जाके देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर लंग, हाउ टू कीप योर लंग हेल्दी, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करिए डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।